देखिए, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कनकेव मिरर के लिए जो आपका वन अपॉन फार्मूला आर सेम, वो कनकेव हो या कन्वेक्स है, इसीलिए यस्टरडे आई आपका नाउ जस्ट टोल्ड यू और टॉट यू अबाउट द कन्वेंशन साइंस विच जनरली यू यूज इन न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन कनकेव और कन्वेक्स। उसमें आज ये पहले हमारे टाइम पे आपका जो है इसको भी टीचर्स पढ़ाते थे, सिक्स मार्क्स का आता था। आज बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो भी कहते छोड़ो यार। हालांकि ये आता है, ये आपका काम कहाँ करेगा, जैसे अभी ट्वेल्थ के बच्चों से बात हो रही थी तो ऑप्टिक्स आपका जो है जनरली एनडीए वगैरह में जो आता है तो एनडीए के जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका ना ये नाइन टेंथ के बेस के जो ऑप्टिक्स होते हैं वो, इसीलिए मैंने उनको भी बोला उनका टेंथ का जरा देखिएगा आप ऑप्टिक्स, आपको क्लियर पता रहेगा। दिस इज द कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर में आपका बने यहाँ पे आपका ना दिस इज आपका फोकस होता है कायदे से इससे ड्रॉप कर देता है एंड दिस वन इज नोन इज आपका नाम देखो दिस इसको आप एफ कहते हैं और दिस इज आर इज इक्वल टू आपका नाम देखो टू एफ। अब इसमें सिर्फ अपने दिमाग के अंदर आपने क्या रखना है, देखिए आपका नाम एनी ऑब्जेक्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वैसे तो अगर यहाँ से देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहते हैं, यहाँ इन बिटवीन ऑफ इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप इसको कह सकते हैं। ए भी एच है एच दिस इज ये आपका हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्रॉब्लम तो आपका हमेशा क्या होगा इंसिडेंट रे देखो पैरेलल टू ये देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और टकराने के बाद इट हैज टू बी पास फ्रॉम आपका नाम क्या हो जाएगा कहाँ से जा रही कोई फोकस जो कल आपका नाम रेस आपने पढ़ी थी फोर आपका नाम ऑप्टेन कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं लिपा को दोनों चीज़ें क्लियर करते हैं लिपा को इफ एनी रे विच इज गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू गो बैक फ्रॉम द सेम पाथ। देखिए जबकि दूसरा फिगर इसका देखिए आप सुटेबल रहेगा ये बता रहा हूं पोल हो गया दिस इज आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये आपका ग्राउंड दिस है मैंने इसको रखा सपोज के लिए आपका ग्राउंड दिस है ये सी हो गया ये एफ हो गया ये आपका दिस इज ए भी ऑब्जेक्ट हो गया हाइट इसके लिए ये भी स्ट्राइक करने के बाद सेम एंगल पे आपका क्या हो जाएगा ये वापस से मिल जाएगा दूसरा ये गई अपना मैं देखो दस हजार और स्ट्राइक करने के बाद आपका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ जाइए जहाँ पर
ये दोनों आपका देखो एक दूसरे को आपको कट कर रही है, दिस इज द इमेज। अब उसके चक्कर में अगर बच्चा रहेगा तो देखो उसकी तो टाइम टाइम फेस हो जाती है। ये देखिए अपना ये इंसिडेंट है, अपना देखो दिस इज इंसिडेंट है, अपना कमिंग फ्रॉम दिस हेड ऑफ दिस ए बी आर स्ट्राइकिंग अपना ऑन दिस पी पॉइंट एंड फ्रॉम द सेम एंगल अपना बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज गोइंग टू बी। अब आप ये थीटा है, ये थीटा है, ये आपका जो अल्फा हो गया और ये आपका जो अल्फा हो गया, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस ये यू है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे ई माइनस यू रखेंगे। ये आपका देखिए वेयर दिस टू आर इंटरसेक्टिंग, ये देखिए अपना ये देखो अपना माइनस यू हो गया। ये आपका देखो ना सेंटर ऑफ कर्विस है, तो देखो ये आपका जो है आर, ये वाला जो है आपका ये क्या है यू है, देखो ना इज इट यू, और देखो ये कितना है वी है आपका, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये इतना वी है तो ये कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, अरे आर माइनस वी और दिस कंप्लीट इज आपका यू यू और इतना आपका क्या आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा यू माइनस आर। तो देखिए ये वाला फील यहाँ एक देखो अभी यहाँ देखिए ये माइनस यू हुआ, देखो इतना ये दोनों देखो अपना यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे ए डैश आपका देखो बी डैश हो गया। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये दिस इज अल्फा, ये भी अल्फा हो गया, देखो ना दिस इज, अब ये इसको यहाँ करना पड़ेगा आपका ना, तब ये आपका देखो दिस इज थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो ये आपको प्रूव करने में दिक्कत करेगा। इसलिए रेस आपके नाम जब डेरिवेशन आपको हमेशा करना हो तो डेरिवेशन करने के लिए आपको इधर रे एक आप ये दिखाएंगे जो आपका ये ऑब्जेक्ट के हेड से आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा पोल पे सेम एंगल पे आपका चले जा रहा है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही और रिफ्लेक्शन के बाद सेम एरो का बहुत मतलब होता है, ये इसके साइन कन्वेंशन आपके होते लेट लेट ए बी इस ना हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आपकी हाइट होगी प्लस एच, लेट ए डैश बी डैश इस हाइट ऑफ एन इमेज होगी देखो इमेज माइनस एच ये देखिए क्योंकि ये दिस इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दो चीजें जो आपको क्लियर हो जाती है। नाउ लेट ए पी इज इक्वल टू अपना डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका देखो ना दिस है ये माइनस यू आपका देखो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है, इसके बाद लेट अपना बोलते हैं ए डैश पी इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज इक्वल माइनस वी है क्योंकि दिस इज आल्सो वी 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 फिर वी फॉर वन एल एच एस ऑफ ए बी अपन को मिल गया, क्लियर हो गया सर। अब आप करेंगे देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हाइट आ गया, अब आपने क्या करना देखो ना दिस ए सी इज इक्वल टू आपको ये फाइंड आउट करना है ए सी इक्वल ए पी माइनस सी पी करना, तो दिस इज यू माइनस आर। अब आपके पास देखो ना दिस ना ए डैश सी इज इक्वल टू आपको ना देखो दिस सी पी माइनस ए डैश पी इज इक्वल टू आर माइनस सी, स्पेसिफिकेशन ऑफ मिरर। अब देखिए दिस
questions can be done by two methods. One is by trigonometry, another is by similar triangle. दोनों से कर सकते हैं. अब पहले this is a b plus h equal minus u a p equal this is theta ye I am nice dekho this is a has b has ye figure ye theta this is minus h dash है देखा पहले देखा था इसमें क्लियर हो ना सर तो देखा ना इतना क्या था ये माइनस यू था वो ठीक है वो देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आप ले रहे हैं आपका इतना पोर्शन आपका क्या होगा माइनस यू थीटा थीटा के लिए आप ले रहे हैं चला ये देखो फॉर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए बी 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 ए बी एंड बी डैश ए डैश बी एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे ठीक है सर तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर दिस परपेंडिकुलर आपका क्या है AB ओवर आपका क्या है AB एंड दूसरे वाले में भी देखो आपका tan थीटा इधर देखिए इस वाले में तो आपने tan थीटा के सामने आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा नहीं सर परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज ओवर जो हाइपोटेन्यूज आता ही नहीं परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज साइन कॉस sec जब होगा तो हाइपोटेन्यूस आएगा और sec होगा तब हाइपोटेन्यूस आएगा जैसे अगर आप देखो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा tan थीटा और देखो इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा इट हैज अ रेसिप्रोकल sec थीटा इट हैज ये करेंगे पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम तो हो गए बर्बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले तो tan थीटा sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज tan थीटा परपेंडिकुलर बेस cot थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर sec थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस cos थीटा क्लियर है tan थीटा देखो आपका परपेंडिकुलर ओवर आपका देखो बेस इसमें थीटा के सामने इन फ्रंट ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर b डैश a डैश अपॉन a डैश दोनों को ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए चल रहा है एंड इसीलिए लगाया दोनों को सिमेट्री से तो परपेंडिकुलर प्लस एच ओवर एपी एपी देखो पूरा माइनस ये क्लियर सर ना इसको देखो फिर एंड tan थीटा इज इक्वल देखो b डैश माइनस h डैश ये देखो आपके सामने बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है ओवर a डैश p a डैश देखो माइनस है माइनस से माइनस कर लो तो देखो tan थीटा इज इक्वल h डैश ओवर b दिस इज आल्सो tan थीटा दिस इज आल्सो tan थीटा तो नाम देखो सर कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एनी क्वेश्चन नंबर टू फॉर tan थीटा इट मीन्स देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आज बच्चा पढ़ थोड़ना रहा है जो पढ़ रहे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा क्रॉस मल्टीप्लाई रिप्लेसमेंट ऑफ एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू नीचे आए देखो माइनस वी अपॉन यू ये ऊपर चला
ओनली ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। कोशक टेन थीटा ट्राइंगल, उसमें से ये सामने लिया गारंटी है। अगर किसी चैनल में बताया होगा, जरूर इक्के दुक्के में होगा, लेकिन अगर इतनी क्लियरिटी के साथ अगर बताया होगा, जो मर्जी कहोगे वो करूंगा। इसके बाद अब भी आ, अब देखो ना, फॉर एंगल एल्फा, एल्फा के लिए देखो, दिस दिस इज एल्फा, ये देखो दिस इज एल्फा, ये देखिए, ये आपका दिस इज ए, ए बी, this is B dash, this is A dash, this is आपका ये C है, देखो यहाँ से देखो ये आपका कितना है U minus R, यहाँ से देखो आपका क्या पड़े R minus B, और ये आपका ना H, और ये आपका क्या है H dash minus का माइनस, ये माइनस है, थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो तो फॉर अल्फा। अब इस वाले का देखो, ये देखो यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखो बी ए सी एंड ट्राइंगल आपका देखो बी डैश ए डैश, अब आपका देखो ना दिस, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो ए बी ओवर आपका देखो ना ए सी है, देखो मैं तो ए, तो टेन एल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर एच ओवर यू माइनस आर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इस वाले ट्राइंगल के आपके सामने, तो ए बी, ए बी का मतलब एच प्लस का और ए सी का मतलब देखो यू माइनस आर, क्लियर है, फाइन। देखो एंड अभी इस ट्राइंगल, अब देखो ये बी ए, देखो आपका दिस है, तो टेन एल्फा इज इक्वल अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस इन फ्रंट ऑफ दिस एंगल, परपेंडिकुलर इज व्हाट दैट इज बी डैश ए डैश अपॉन ए डैश सी, एंड टेन सी इज इक्वल माइनस एच डैश ओवर आर माइनस बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर, सो नाउ देखो दिस, तो टेन आपका टेन एल्फा, एल्फा तो टेन एल्फा इधर उधर, ये एच डैश ऐसे ही रहेगा, देखिएगा इधर माइनस माइनस का प्लस इट विल बिकम अहेड, और माइनस प्लस का माइनस इट विल गो बैक, एंड दिस माइनस इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, माइनस माइनस इज प्लस और माइनस प्लस का माइनस। आप जैसे बच्चों के लिए होती इसकी जरूरत, और जिसको नहीं होने का तो कोर्स में ही नहीं है, जैसे अभी ट्वेल्थ के बच्चे हैं कोर्स में नहीं, मैंने कहा जरा पूछना तो अपने स्कूल टीचर को पूछना, ठीक है कोर्स में नहीं है कोई बात नहीं, हमने तो आगे जाके कंपटीशन लेवल जनरेट होना है ना, मैं हमारे पास बड़े कोचिंग में जाने के लिए पैसे नहीं, मेरे जैसे बंदे के पास है तो किसी को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो जैसे इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस, ये कम से कम जब आप जाओ दस के सामने चौड़े हो गए, अरे हमारे सर ने तो हमें पढ़ा नहीं है, कोर्स में कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मेरा लग रहा है, लेकिन आपकी समझ में बेटर तो आएगा यार, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो दिस फर्स्ट पार्ट को आपने कर दिया, फर्स्ट पार्ट ये था, अब यहाँ पे अगेन कंपेयरिंग, देखो इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव फॉर टेन, ये देखिए टेन एंड फोर टेन फाइव को कंपेयर कर, इधर देखिए टेन एल्फा की वैल्यू व्हाट इज दैट,
एच ओवर डी यू माइनस आर एंड इक्वल टू एच डैश ओवर यू माइनस आर। देखिए एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू दिस इज कमिंग डाउन इट इज गोइंग अप बाय वी माइनस आर ओवर ओवर दिस यू माइनस आर। See, what is this? H dash over H. What is this? H dash over H. Third. Comparing again. Now, equation number 3 and equation number 6 for H dash over H. Inko compare karna hai. H dash over H, we are going to compare. H dash given in minus V upon U. And the H dash over H key value. The H dash over H has a value V minus R. This is V. V. V for when? U for umbrella. U visa minus U V minus minus का plus R V U visa U V plus plus का plus और plus minus का U R जा U R। देखिए ये आपका by cross multiplication में चला गया। क्लियर सर? एरोज को देखिए नाउ जबरदस्त तो U R plus बिहार इक्वल यू वी और प्लस यू माइनस यू बी इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड तो देखो इसका मतलब यू आर प्लस वी आर इज इक्वल यू वी और प्लस तो वन यू बी एंड वन यू बी टू यू क्लियर इसका मतलब dividing both hands by u v r से आप डिवाइड कर दीजिएगा दोनों तरफ इधर देखिए u r upon u v r plus v r upon this is v r upon u v r is equal to u v upon u v r देखिए इधर देखिए यू आर से यू आर कैंसिल बी आर से वी आर कैंसिल यू वी से यू बी कैंसिल तो देखो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू अपॉन आर इधर देखो और आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर आर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां पे आपका आर दिखाया होगा देखो इसलिए आर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया वन सो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू अपॉन टू एफ वन अपॉन एफ इज इक्वल वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन दिस वाज़ द जो फॉर्मूला वो बार बार हम कहते हैं वन अपॉन एफ इज़ इक्वल वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू कैसे आया ये ऐसे आया दिस इज डू इट प्लीज तो दिस वाज़ डन बाय बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
हैं।